कि आप सभी देख रहे हैं कि गरीब स्टूडेंट के भगवान माने जाने वाले एसएससी के कोचिंग सेंटर के सामने आज माहौल काफी गर्म हो चुका है। ऐसे ही टीचर्स करते हैं बच्चों का पीछे व्यवहार। शिव शंकर चौधरी, काम फ्रॉड, नाम फ्रॉड, एसएससी के नाम पर अपना नाम लगा दिया। अरे ऐसा नाम कोई रखता है क्या? रखता है क्या? ये स्कैमर है, स्कैमर। अरे देखिए, आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो हम बैठ के बात करके सुलझा सकते हैं। नहीं, अब बातें नहीं होंगी। बुलाओ उस एसएससी फ्रॉडिये को जो बच्चों का भविष्य खराब करता है। अरे पर एसएससी ने क्या किया है? को बाहर निकालो, तब बताएंगे कि उसने किया क्या है। एसएससी, अरे एसएससी सर तो इंस्टीट्यूट में है भी नहीं। मीडिया के कहते शिव शंकर चौधरी खुद अपनी कोचिंग सेंटर से गायब है। अब ले चलते हैं आपको सुपीरियर कोचिंग की ओर, जहाँ पे मेरे साथी सुधांशु मौजूद है। धन्यवाद नंदिता। कोचिंग सेंटर के इस गोरख धंधे के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएससी कोचिंग के राइवल माने जाने वाले और सुपीरियर कोचिंग के डायरेक्टर मिस्टर खन्ना। खन्ना सर जी, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए जी, हम तो किसी पे उंगली नहीं उठाते। हम तो बस इतना जानते हैं कि सुपीरियर कोचिंग का रिजल्ट हमेशा सुपीरियर रहा है। और जहां तक एसएससी की बात है, उनका रिजल्ट है कहां? कहां उनका रिजल्ट? उन्होंने जब से कोचिंग शुरू किया है एक भी स्टूडेंट को रैंक्स नहीं आया है। उल्टे उनसे इन्फ्लुएंस होके स्टूडेंट एग्जाम छोड़ के पता नहीं किन किन चीजों में लगे हुए हैं। पर खन्ना सर, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि जब से एसएससी आया है आप इस रेस में कहीं पिछड़ने लगे हैं। पिछड़ने लगे? देखिए जी, वो रील वाले हैं और हम मील वाले हैं। हमारे पढ़ाए बच्चे मीलों तक जाते हैं। लेकिन सर, ऐसे से रील थोड़े ना बनाता है। वीडियोस तो वो बच्चे बनाते हैं और उनको रील्स में पॉपुलर किए बैठे। क्या नाम है आपका? जी सुधांशु। सुधांशु जी, रीलों से मार्क्स नहीं आते हैं। मार्क्स आते हैं सुपीरियर कोचिंग का जो 30 साल का अनुभव है, उसका जो सिलेबस है, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद ही मार्क्स आते हैं। लेकिन आजकल के लड़कों का यही तो दिक्कत है, वो हर चमकने वाली चीज को सोना समझ लेते हैं। वैसे धूप में तो रेत भी चमकता है, मिर्ग मरीचिका, उसका क्या कर सकते हैं। गया। मैं भी खेलूं? कंचे ना खेल रहे अड़े, बहुत जरूरी समस्या का समाधान हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है क्या? रे बावड़ी पूर, हमने आज यो मैच तो जीत लिया, पर यो ट्रॉफी घर कौन ले जाएगा इस बात पर बवाल हो रखा है। तो जिसका भी कागज का हवाई जहाज उस घोड़े के भीतर सबसे पहले जावेगा वो इस ट्रॉफी ने घर ले जाएगा। क्या कर रहे है, हवाई जहाज बना रहे है? अरे मखर रहने दे, तेरे बस की बात कुन्या। चल भाई बना ले, और के कर ले कप्तान, कर ले तू भी, कर ले अपने दिल की हसरत पूरी। जीत गया मैं। गणा स्मार्ट बन रहा है। देखो, मैंने जो गेम खेला है वो रूल के हिसाब से खेला है। जहाज को गोले के अंदर जाना चाहिए था, जहाज पहुंच गया। ये तो फिक्स नहीं था कि जहाज की क्या शेप होगी। जहाज तो गोल भी होते हैं, स्पेसशिप को ही ले लो। सही का गलत? तो सही
सही बात, कतई चालाक हो रहा है, सियारी मार रहे हैं। चौधरी जी कैसे रही आज की ड्यूटी? बस लो मुंह मीठा करो। मुंह मीठा करो, कोई खास बात? मेरा बेटा लग गया कंडक्टर। कंडक्टर? मुझे कह रहा था कि यूपीएससी की तैयारी करेगा। अजी बस टाइम ने धक्का दे रहा था, मैंने बोल दिया बेटा तेरे बस की कुछ ना है तो बस लगवा दिया। चौधरी साहब हम तो छोटे शहर के लोग हैं, बड़ी उड़ाने अच्छी नहीं लगती। खैर शिव का क्या चल रहा है आजकल? वो तो शर्मा जी रुको, मीठा करके जाना। चौधरी साहब उनका मुंह मीठा करवा दो। रुक जाओ आया मैं अभी। रुको शर्मा जी, एक काम के लिए भेजो, सुबह से शाम लगा देता है ये लड़का। मम्मी आपने बिगाड़ रखा है इसे, और इसका 5% सपोर्ट आप मुझे करते ना तो आज मैं डॉक्टर बनी होती। ओ डॉक्टर बनी होती? हाँ तो लो आ गए महाराज। आ गया घर का रास्ता यार तुझे? कहाँ था इतनी देर से? अरे आटे के साथ ये क्या ले आया तू? अरे वो आप आ गए? ले रख अंदर रख इसको, चल चल। हाँ भाई तेरा एसएससी का रिजल्ट कब आ रहा है? पापा वो घबरा मत, मुझे तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं है। पहला अटेम्प्ट है बच्चे का, पहला अटेम्प्ट है, तुम्हारी कृपा रही दो चार क्या 10-12 अटेम्प्ट भी दे सकता है और अपना टाइम खराब करता रहेगा। बाप तो दिन रात मेहनत करके कंडक्टरी करे और बेटा लफंडरगिरी। सही चल रहा है बेटा तेरा, तो डांट खाता रहता है और मुझे भी पढ़वाता रहता है ना? चलो ये खाना खा ले। मम्मी जी पापा जी को ना मुझसे कोई दिक्कत है, अपनी ड्यूटी की पूरे दिन की कुंदक आकर मुझ पे निकाल देते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे, अचार नहीं लाए क्या? अंबिका अब महाराज को अचार भी चाहिए, बातें तो आप ऐसी कर रहे हो जैसे पता नहीं कितने मेडल्स लेके आए हो। मेडल ही सब कुछ नहीं होता है। अच्छा फिर क्या होते हैं? पता नहीं लेकिन खोज है और रोज है मम्मी अचार। देख लो मम्मी अब इसकी हरकतें। अरे मैं लेके आती हूँ बेचा, पता नहीं इसका क्या होगा, भगवान ही जाने। शिव शंकर चौधरी एसएससी धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज, लगता है ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। देखो अब ये पत्थर जिस वेलोसिटी से अंदर आया है, अगर हम इसकी ट्रेजेक्टरी को सर, आपको इन सब चीजों से डर नहीं लगता? बैठिए। इसके बारे में कौन कौन जानता है? रहने दीजिए मैं बताता हूं। ये एक बीमारी है,
ये बीमारी जिस किसी को भी लग जाती है उसके ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर देती है जहां से उसको डर का एहसास होता है। अरे भैया थम जाओ यार, पेपर में नहीं आना है। ये बीमारी हमारे ब्रेन के मतलब जिसको भी लगती है उसके ब्रेन के उस हिस्से को डैमेज कर देती है जहां से उसको डर का एहसास होता है। वो डैमेज होने की वजह से उसको डर लगना बंद हो जाता है। तो ये बीमारी मुझे नहीं है, कतई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है और मैं तो कहता हूं डरना कोई गलत भी नहीं है, सबको डरना चाहिए। इनफैक्ट जो ये कहता है कि उसको डर नहीं लगता है, या तो वो इस बीमारी का शिकार है या वो झूठ बोल रहा है। सर फिर आप इतना शांत कैसे रहते हैं? मैं ये नहीं कहता कि ना डरना गलत है या डरना भी सही है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डर को समझना बहुत जरूरी है। अब आप अगर देखेंगे ये जो बाहर जितनी भी भीड़ आई हुई है ये भटकाई हुई तो भीड़ है। जो लोग भटक जाते हैं वो लोग अटक जाते हैं। तो तुम्हें ना तो भटकना है और ना ही अटकना है। शाबाश। तो हम कहाँ थे? सर बीमारी भाई, इससे भी आगे निकलना है। दो साल से जहाँ थे वहीं है, एक नया बच्चा नहीं है। पर मेरी सुननी है किसी ने, मैं तो पागल हूँ। बितवा सर सॉरी। ए रुक, ए गर्वित सुन। जी सर। अरे वो लास्ट वीक तेरा एक दोस्त आया था हमारी डेमो क्लास लेने के लिए। जी सर। उस दिन आया फिर गायब हो गया, क्या हुआ? फीस फीस की कोई दिक्कत है क्या? अरे सर फीस की दिक्कत नहीं है, वो एसएससी सर के होते हुए फीस की दिक्कत कैसे हो सकती है सर? हुआ है क्या कि उसके फादर है ना उनका एक्सीडेंट हो गया है तो वो बेड रेस्ट पे है, इसलिए उसे गांव जाना पड़ा सर वो देख रेख करने के लिए थोड़ा। ये तो बहुत बुरा हुआ यार। जी सर। सर उसको समझा कि जॉब की तैयारी ना छोड़े, तैयारी कंटिन्यू रखे। बट सर वो तो गाँव में है ना, कैसे तैयारी करेगा? अरे अड्डा 24/7 से अनजान हो फिर तो तुम महान हो। अरे बावले अड्डा 24/7 से कभी भी कहीं भी 24/7 सरकारी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। सच्ची? हाँ। तो उसको समझा कि अपना सपना ना छोड़े और जब तक एसएससी कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर सकता अड्डा 24/7 से नाता जोड़े, समझा? थैंक यू मितवा सर, अब से मैं भी प्रिपरेशन करूंगा अड्डा 24/7 से सर। हाँ। ए एसएससी सर मॉड्यूल में कुछ चेंजेस करने ही पड़ेंगे तभी प्रॉफिट हो पाएगा। शिव सर वो कुछ बात करनी थी। मैं चलता हूँ सर फिर। सर्वेश जी। जी सर। प्रॉफिट की नहीं पॉसिबिलिटीज की बातें किया करो। जी सर। थैंक यू सर। जी सर। क्या हुआ मितवा, ऐसा भी क्या काम आ गया कि सर्वेश सर जी को बीच में छोड़ना पड़ गया हमें? क्या करके मानेगा भाई, चेक बाउंस हो रहे हैं हमारे। बाउंस तो नहीं हुआ यार। इसमें भी मजाक, 2 महीने से बिल्डिंग का किराया नहीं दिया हमने, कुछ पता नहीं है अगले महीने टीचर्स की सैलरी कैसे देंगे हम। और एक तो 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाले इंस्टीट्यूट में सिर्फ तो 100 स्टूडेंट्स लेता है। भाई कुछ तो अता पता होगा कि कैसे खर्चे चलेंगे हमारे, कुछ तो बोल भाई। मितवा तू ये क्यों बोल जाता है कि इंस्टीट्यूट हमने क्यों बनाया था? तेरे हिसाब से कौन विनर हुआ?
क्रॉस और अगर मैं कहूं जीरो भी विनर है भाई कैसे जब तू आउटसाइड द बॉक्स सोचेगा वैसे भाई ये अपनी दौड़ है ही नहीं हमें भेड़ चाल में फंसना ही नहीं है हम इससे बहुत दूर हैं हम ये हैं बॉक्स से बाहर वाले हमारी कभी भी दौड़ हॉरिजॉन्टल रही नहीं है हमारी हमेशा दौड़ वर्टिकल रही है हम रॉकेट हैं यार भाई तू फिजिक्स तो पढ़ा मत अभी यार मैं फिजिक्स का टीचर हूं भी नहीं भाई मैं मैथ पढ़ाता हूँ यही हाल रहेगा ना भाई तो कुछ नहीं पढ़ा पाएगा तू इंस्टीट्यूट बंद होने की कगार पे है फिर कौन सा हॉरिजॉन्टल और कौन सा वर्टिकल मितवा बात समझ मेरे भाई मैं इस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनूंगा मेरे हौसले आज भी उतने ही बुलंद है हमेशा कहता हूं ना मैं या तो कुछ कर जाएंगे या घर जाएंगे पिछहत्तर की दो रेशम से कम नहीं खो जाए तो गम नहीं अरे आइए ना भाभी जी लेके जाइए पिछहत्तर की दो अरे पिछहत्तर की दो है भाभी जी लेके जाइए बहुत सही है अरे लेके जाइए पिछहत्तर की दो मेरे लायक भी कुछ मिलेगा क्या मितवा भाई अरे वाह भाई बहुत सही टाइम पे है ले लीजिए भाभी जी ले लीजिए कैसे दे रहे हो 75 की 2 भाभी जी कोई भी ले लीजिए हर माल एकदम 75 की 2 क्या भैया 75 की 3 दो ना अरे नहीं नहीं भाभी जी 3 नहीं हो पाएंगी बहुत महंगी रहने दो सर अरे 75 की 2 दे रहा हूँ भाभी जी बहुत सस्ती ले भाभी जी 75 की 3 भी बहुत महंगी है हाँ भैया मेरी मानो ना आप 150 की 5 ले जाओ हाँ ये ठीक है एक वो भी दे तो नुकसान होता है भाभी जी तो 140 है 10 रुपए कम है 150 तो दो भैया इतना चलता है 10 रुपए ही तो है अरे नहीं नहीं भाभी नहीं हो पाएगा 150 अरे भैया मेरे पास इतने ही है इतने ही रख यार करा दिया ना नुकसान 75 की 3 भी लेके जाती तो भी फायदा रहता अभी 140 में 5 लेके गई 75 की अगर 3 लेकर जाती तो एक कितने की होती 25 की 140 में 5 लेकर गई है तो 28 की 1 हुई ना फायदा है यार दिमाग तो कैलकुलेटर से भी तेज चलता है चल बस फिर आ जा धंधा संभाल लेते हैं ओ भाई मुझसे धंधा नहीं होगा बस 2 मिनट तो दुकान देख मैं माल लोड करवा के आ रहा हूँ 2 मिनट ठीक है भाई मुझसे नहीं हो अरे और फोन भी दे देना मेरे फोन में बैलेंस नहीं है देना बस मैं अभी आया भाभी जी ले लीजिए 99 की 3 है अच्छी तो है ना अरे भाभी जी बहुत अच्छी आप सिलेक्ट तो कीजिए ये वाली दिखाओ ये देखिए भागो भागो भाई पुलिस अभी जी आप इधर उधर क्या देख रहे हैं ऐसी छोटी मोटी आपदा तो आती रहती है देखिए ना आप दुकान बंद करो बिना परमिशन के दुकान खोल रखी है चलो अभी जी आप उसे क्या देख रहे हैं इसको देखिए ना कितना अच्छा माल है कॉटन का माल है यही सेम पीस अगर आप मॉल में लेने जाएंगे तो आपको 300 का मिलेगा ये देखिए देखिए ऐसी सिलाई आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगी आप घर लेकर जाएंगे तो भैया भी खुश होंगे कि कितनी अच्छी बचत करके लाए हैं भाई तपेट इसको रहने दो भैया मुझे नहीं चाहिए चलो ये कोई टाइम दुकान खोलने का चलो देखो बलवान मैं तो चाहता हूँ जैसे तैसे करके रिटायरमेंट से पहले पहले लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो भाई तब है जिंदगी असली बिल्कुल अरे शेव ओ शेव हाँ जी वो पढ़ाई कर रहा है बोलो 2 मिनट के लिए आ जाए जरा
अरे आप मुझे बता दीजिए क्या काम है। अरे तुम्हें क्या बता दीजिए, अरे तुम तो हमारे साथ वैसी रिटायरमेंट ले लोगी। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, क्या मित्वा? आंटी जी सुनो, क्या 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 बोल बोला, बोलो हमारे सामने। शिव भाई अब एक्सपेंड करना है, हमारा कोचिंग सेंटर ना हर शहर हर गली में होना चाहिए। अरे मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ, तुझे हंसी आ रही? ये ऊपर हंसी नहीं आ रही यार मित्रा, मेरे भोलेपन पे आ रही है। अभी कहाँ टाइम आ गया एक्सपेंड करने का, कैसे करें? क्यों नहीं है भाई, ये इंटरनेट के जमाने में हम आज भी एक ऑफलाइन सेंटर लेके बैठे हुए हैं। तू फिक्र मत कर, उसके लिए मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। अच्छा? हाँ, मैं कई दिनों से ना ऑनलाइन कोर्सेज और प्रोग्राम्स को देख रहा हूँ, जैसे अड्डा 24/7 का क्या है कि इनकी अपनी ऐप है और अपना यूट्यूब चैनल है, साथ साथ में अपनी बुक्स भी पब्लिश कराते हैं जिनसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। यही रीज़न है कि इनके स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड सिलेक्शंस होते हैं और हर 15 दिन में इनके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी होते हैं। हमें ना कुछ ऐसा मॉडल बनाना होगा। अरे प्रतीक का फोन। हाँ प्रतीक, क्या शुरू से बताएगा क्या हुआ था? सर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, छोड़ के चली गई। और तूने इतनी सी बात पे शैम्पू पी लिया? मैं जीना नहीं चाहता सर। हाँ वो तो ठीक है, अबे तू इतना पढ़ा लिखा बच्चा है, इंस्टीट्यूट में एक एक स्टूडेंट यही कहता है कि प्रतीक उन टॉप 5 बच्चों में से है जो सबसे अच्छी रैंक लेकर आएगा, और तू यहां शैम्पू पी रहा है। तूने कहां ऐसा सुना है कि शैम्पू पीने से किसी की मौत होती है? शैम्पू में होता ही क्या है, पैराबिन, ट्राइक्लोजन, ग्लिसरीन। प्रतीक मेरी बात सुन, रिश्ते जो होते हैं ना हमारी जिंदगी की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए होते हैं, ना कि जिंदगी को एक्सपायर करने के लिए। याद रखना प्रतीक, कामयाबी ना रूठे रिश्तों को भी वापस ले आती है, ये तो फिर भी लड़की है। अफसर बन, फिर तेरे पास अवसर ही अवसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तैयारी का है। क्या 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 बोल? वो शिव को पुलिस पकड़ के ले गई। मेरी दुकान पे नाइटी बेच रहा था। नाइटी बेच रहा था? अंदर पड़ रहा है।